मुंबई की बहुचर्चित धारावी झोपड़पट्टी में दिल दहलाने वाली बात सामने आई है। सचिन रविंद्र जायसवाल उम्र 17 साल के बच्चे को धारावी पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारी रात 1 बजे है बताकर ले गए कि किसी का मोबाइल चोरी हुआ है, इसीलिए आपके लड़के से पूछताछ की जाएगी, 2 घंटे में छोड़ देंगे। लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद तकरीबन 22 घंटे तक उसे काफ़ी मारा पीटा गया। जब यह बात उन पुलिस वालों को समझ आई कि मोबाइल चोरी में इसका कोई लेना देना नहीं है, तब उसे वहां से रिहा कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि लड़के को जो पुलिस स्टेशन पर बेरहमी से मारा गया था, उसके कारण उसे खून की उल्टी होने लगी, जिस कारण उसके माता पिता द्वारा उसे साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। इसीलिए आज हम यह मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या उन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों की वजह से मुंबई पुलिस के नाम पर धब्बे लगते हैं। जिस माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, वे बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। जिस घर में वह रहते हैं, वह घर 8x10 का एक छोटा सा मकान है, जहाँ पर वे बड़ी खुशी से अपने परिवार के साथ सुखी थे। लेकिन कुछ निकम्मे पुलिस वालों के कारण एक माँ का जवान लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बीच BSP के महाराष्ट्र के प्रभारी अशोक सिंह जी ने धारावी के मृतक परिवार वालों से मिलकर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और उन्हें कुछ रकम अपनी ओर से भी दी और कहा कि जल्द से जल्द उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी दरमियान BSP प्रभारी अशोक सिंह जी का कहना था कि देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का लीडर हूँ, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव यहाँ से लड़ चुका हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ा हूँ। बहन जी का मुझे मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, तो मैं बड़ी सादगी से बड़े सिस्टम से काम करता हूँ। जैसे मुझे पता चला, वैसे मैं जाके कमिश्नर से मिला, उनको ज्ञापन दिया कि इस केस को अच्छी तरह से देखा जाए। जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देता, कोर्ट भी इस चीज़ को देखता है कि संगीन मैटर है कि नहीं है, ये लड़का क्रिमिनल है कि नहीं है। जब लड़के के ऊपर ऐसा कोई भी चार्ज पहले नहीं कभी लागू हुआ है, तो उसको इस तरह से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने गलत किया है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे कमिश्नर ने मुझे भरोसा दिला है कि मैं क्राइम ब्रांच को इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उनके स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने उनको लेटर दिया हुआ है और उन्होंने कहा मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा उनसे मिलूँगा। मैं यहाँ ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को दूंगा, राज्यपाल को दूंगा कि इस बच्चे के साथ न्याय हो, इसकी इंक्वायरी हो। और इस बच्चा का परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, मैं अभी जाके वहाँ से देख के आ रहा हूँ। वो 4x4 के रूम में रहते हैं, ये बड़े दुख की बात है। और वो लड़का उनका फ्यूचर बनता था। मृतक के परिवार वालों का कहना था कि मैं तो गांव गई थी, मेरा बच्चा मेरे को फोन में बताया था, बोला मम्मी तुम टेंशन मत लेना, गांव से आराम से आना मम्मी। अब कहा बेटा तुम ऐसा मेरे को बोल रहे हो तो तुम्हारा सर क्यों दुख रहा है, तुमको चक्कर क्यों आ रहा है बेटा, तुमको बदन में पूरा दर्द क्यों आ रही बच्चा, तुमको बुखार क्यों हो रहा भैया। मेरा बेटा बोला मम्मी मेरा टेंशन तुम मत लेना, आराम से आना। हम कहे नहीं, हमको बताओ बेटा, तुमको पुलिस वाला मारा क्या बेटा, तुमको पुलिस वाला मारा क्या बेटा। बेटा बोला हाँ मम्मी मेरे को पुलिस वाला मारा। हम कहे कहाँ मारा बेटा। बेटा बोला मम्मी तारों ने मारा। अभी एक बजे रात को पुलिस लोग आया और बच्चे को मांग किया कि बच्चा कहाँ है। मैं बोला अभी वो बच्चा मेरा पाल्टी में गया है। तो वो लोग बोले बुलाओ, बुला के पूछ जांच किए, तो बोला मैं नहीं कुछ किया हूँ। तो फिर भी वो लेके गए, बोले पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ, 10 मिनट में छोड़ दूँगा। 10 मिनट के बजाय 22 घंटा तक नहीं छोड़े, 22 घंटा बच्चे के बैठा मार पीट किए और मारे पीटे, सब लोग बाथरूम में बंद किए, मेरा बच्चा आके बोल रहा था। और बहुत इतना बुरा हालत मार दिए थे कि फेफड़े से खून आ गया था, मुंह से खून निकल रहा था। अभी इतने में बच्चे का सर और बहुत फटने लगा, दर्द करने लगा, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिट किए, दवा हुआ हुआ बच्चा डेड हो गया, अभी बचा नहीं। हाथ बढ़ा है और वो कमिश्नर को लेटर भी दिए है हमारे मदद के लिए। इंक्वायरी नगर सेवक या कोई आया नहीं, यहाँ के नगर सेवक तो कोई नहीं आया, नगर सेवक कोई कभी नहीं। कैमरामैन अजय के साथ विक्रम सिंह कुंडीर, SCN TV न्यूज़ मुंबई।